नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। विशेष में आज बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। अब योग का परचम दुनिया भर में लहरा रहा है और ये मुमकिन हुआ है भारत सरकार की पहल पर। सरकार ने संयुक्त राष्ट्र में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे 193 देशों का समर्थन हासिल हुआ और योग को दुनिया भर में मान्यता मिल गई है। तो आइए शुरू करते हैं विशेष योग माया। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दिल्ली के राजपथ से भारत ने जो संदेश दिया, उससे पूरी दुनिया योग पथ पर चल पड़ी। योग जो कभी भारत की विद्या और विधा हुआ करता था, अब पूरी दुनिया की धरोहर बन गया है। योग को पूरी दुनिया का ऐसा समर्थन मिला कि 196 देशों के 250 से ज्यादा शहरों में योग देखा गया। भारत इस बात के लिए गर्व अनुभव करता है कि यूएनओ ने इस विषय को आगे बढ़ाया। दुनिया के 177 कंट्रीज ने उसको को स्पॉन्सर किया और भारत की अनमोल विरासत आज विश्व की अनमोल विरासत बनी है। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग पर कार्यक्रम का आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसी संदेश से हुआ। मोदी ने संदेश में योग को समर्थन देने के लिए सभी देशों का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में महासचिव बान की मून ने योग किया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को यूएन कैलेंडर का एक अहम हिस्सा बताया। दिस इज द फर्स्ट ईयर दैट वी ऑब्जर्व International Day of Yoga, proclaimed by the United Nations General Assembly. This is a wonderful addition to the United Nations calendar. I commend His Excellency Prime Minister Narendra Modi and the Government of India for taking this initiative to spread the practice of yoga far and wide across the world. इस कार्यक्रम में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी शामिल रहीं। उनके साथ आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर ने भी योग किया। At a time when ethnic conflicts and extremist violence are threatening to destabilize societies, yoga can serve as a perfect antidote to stem such negative tendencies and move us on the path of harmony and peace. I am confident that yoga can also become a potent tool for the United Nations to promote the message of brotherhood and amity. न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के अलावा बाहर भी लोगों में योग को लेकर खासा उत्साह दिखा। ऐतिहासिक टाइम्स स्क्वायर योग स्क्वायर में तब्दील हो गया और यहां हजारों लोगों ने एक साथ योग किया। दुनिया के बाकी मुल्क भी योग के रंग में रंगे दिखे। इसमें भारत का पड़ोसी नेपाल, चीन, थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी समेत दुनिया के कई देश शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र ने पिछले साल दिसंबर में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा की थी। भारत के प्रस्ताव का 193 देशों ने समर्थन किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इससे पहले पूरा भारत योग साधना में रमा हुआ दिखा। पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देश भर में कई कार्यक्रम हुए। राजपथ पर मुख्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि योग दिवस से दुनिया में शांति के एक नए युग की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री के अलावा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और सरकार के तमाम मंत्रियों ने भी योगाभ्यास किया। कभी किसी ने सोचा होगा कि राजपथ भी योग पथ बन सकता है। दिल्ली में राजपथ पर ऐसा नजारा शायद ही कभी देखा गया हो। 35,000 से ज्यादा लोगों ने एक साथ शरीर और आत्मा को साधने की कला यानी योग का अभ्यास किया। खबर थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल संबोधन के लिए आएंगे,
लेकिन लोग उस वक्त आश्चर्यचकित रह गए जब प्रधानमंत्री उनके बीच पहुंचकर योग करने लगे। प्रधानमंत्री ने एक एक आसन और प्राणायाम किया। प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम में सुरक्षा बलों के जवान, एनसीसी कैडेट्स और स्कूली बच्चों ने भी योग की साधना की। यहां दो विश्व रिकॉर्ड भी बने। पहली बार इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने एक साथ एक जगह पर योग किया। वहीं कार्यक्रम में कई देश के लोगों ने भी हिस्सा लिया, जो अपने आप में एक अलग रिकॉर्ड है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से न सिर्फ एक दिवस मनाने का प्रारंभ हो रहा है, लेकिन शांति, सद्भावना, इस ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए मानव मन को ट्रेनिंग करने के लिए एक नए युग का आरंभ हो रहा है। राजपथ से कुछ ही दूरी पर राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में भी योग किया गया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इस मौके पर न सिर्फ योग के फायदे बताए, बल्कि योग के जरिए शांति और खुशहाली की उम्मीद भी जताई। इट इज इंडिया क्वाइट नेचुरली बिकॉज इट इज द होम ऑफ योगा व्हिच इज बोथ अ साइंस एंड आर्ट वाज प्रैक्टिस्ड ओवर सेंचुरीज। केंद्र सरकार के कई मंत्री देश के दूसरे हिस्सों में लोगों के बीच पहुंचे और योग का गुण बताया। लखनऊ में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, कोलकाता में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद, शिमला में मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी तो हैदराबाद में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा योगाभ्यास करते नजर आए। यही नहीं, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी सरकार की इस मुहिम को पूरा समर्थन दिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने रायपुर, राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जयपुर, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बेंगलुरु तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में योग की कमान संभाली। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी पालमपुर और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पटना में लोगों के बीच थे। योग को लेकर सेना के जवानों में भी जोश दिखा। सबसे ऊंचे रण क्षेत्र यानी सियाचिन में जवानों ने बर्फ की चादरों पर योग और प्राणायाम किया। इसी तरह लद्दाख से लेकर दक्षिण चीन सागर तक सेना के जवान योगासन करते दिखे। आपने अपनी शक्ति को पहचाना। सेना के नन्हे जवान कहे जाने वाले एनसीसी कैडेट्स में योग को लेकर गजब का उत्साह दिखा। किस तरह से हम योग पर ध्यान करके माइंड बॉडी। दिल्ली के बीआर अंबेडकर कॉलेज में एनसीसी की इन महिला कैडेट्स ने योग से खुद को मजबूत कर एकता और राष्ट्र प्रेम की सीख ली। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर दिल्ली के विज्ञान भवन में इंटरनेशनल योग कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी किया गया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ योग गुरु रामदेव ने भी शिरकत की। विशाल दहिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और राजपथ पर आयोजित हुआ पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ने योग के नए रिकॉर्ड भी बनाए। राजपथ पर योग अभ्यास ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दो नए कीर्तिमान दर्ज किए हैं। राजपथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में रविवार को आयोजित योग कार्यक्रम न सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है, बल्कि इसने इतिहास भी रचा। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, सभी उम्र के लोगों और ब्राजील से लेकर ब्रिटेन तक देशों के नागरिकों ने राजपथ पर ऐसे योगासन किए कि पुराने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। Officially declared that the Ministry of Ayush has been awarded with two Guinness World Records titles. So congratulations. रविवार को राजपथ पर 35,000 से ज्यादा लोगों ने एक साथ कुल 21 योगासन किए। योग प्रेमियों का यह जमावड़ा दो अंतर्राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित करने में कामयाब रहा। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में पहला कीर्तिमान योग करने वालों की संख्या का दर्ज हुआ। राजपथ पर एक साथ
35,985 लोगों ने योग किया। इससे पहले का विश्व रिकॉर्ड 19 नवंबर 2005 का था, जब ग्वालियर में 29,973 लोगों ने एक साथ योगाभ्यास किया था। दूसरा रिकॉर्ड एक साथ कई देशों की भागीदारी का बना। एक साथ 84 देशों के नागरिकों ने योगाभ्यास में हिस्सा लिया, जो नया कीर्तिमान है। First record we were called upon verifying was the largest yoga lesson, and the second was the most nationalities in a yoga lesson. ग्रीस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के कीर्तिमान सत्यापन मामलों के विभाग के मुताबिक एर्नेस्ट एंड यंग ने पूरे कार्यक्रम में शामिल लोगों की संख्या की जांच की। ये पहली दफा है जब रिकॉर्ड बुक्स में जगह बनाने के लिए किसी योग कार्यक्रम के लिए कम से कम 50 देशों के लोगों का शामिल होना जरूरी तय हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने में भारत की भूमिका और अब तक के प्रयासों की बात करेंगे। अफगानिस्तान की संसद पर आतंकी हमला, तालिबान ने ली हमले की जिम्मेदारी, जवाबी कार्रवाई में सभी आतंकी हुए ढेर। देखिए पहली खबर, अफगान संसद पर हमला, आज रात 8 बजे। The man whose name spells controversy, IPL's former boss Lalit Modi. Can the government bring him back to India? Will he face trial for money laundering? Watch the big picture at 9:30 p.m. only on Rajya Sabha TV. सरकार ने देश में योग शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल की है। इसके तहत केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले स्कूलों में छठी से लेकर दसवीं कक्षा तक योग की पढ़ाई को अनिवार्य बना दिया गया है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने स्कूली बच्चों के लिए योग पाठ्यक्रम जारी किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ऐतिहासिक सफलता के एक दिन बाद केंद्र सरकार ने स्कूली स्तर पर योग शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक और कदम बढ़ाया। केंद्र सरकार के तहत आने वाले उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के छात्रों के लिए योग शिक्षा पाठ्यक्रम जारी किया गया। NCERT ने छठवीं से दसवीं तक के स्कूली बच्चों के लिए ये सिलेबस तैयार किया है। इसके तहत योग शिक्षा के जरिए बच्चों के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जाएगा। पाठ्यक्रम में अंकों के निर्धारण में भी प्रायोगिक शिक्षा पर जोर होगा। साथ ही देश में योग शिक्षकों की नई पीढ़ी तैयार करने के लिए नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन यानी NCTE ने BEd और MEd स्तर पर नए कोर्स शुरू करने का ऐलान किया है। भी आपको सिखाया जाए, अगर उसमें मार्किंग होगी तो 80% प्रैक्टिकल के लिए होगी, मात्र 20% ही थ्योरी के लिए होगी। NCERT और NCTE के पाठ्यक्रमों को शुरू करने का अधिकार राज्य सरकारों की इच्छा पर निर्भर करेगा, यानी वो चाहें तो इसे स्कूली शिक्षा कार्यक्रम में शामिल कर सकते हैं। सभी राज्यों का अधिकार बनेगा कि वो शिक्षा के आधार पर योग को कैसे अपने सिलेबस में जोड़ेंगे, यह अधिकार राज्य की सरकारों का होगा। भारत सरकार का दायित्व इतना था कि टीचर ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हम बनाएं, सिलेबस का एक ढांचा हम बनाएं, जो हमने बनाया है। योग विशेषज्ञों और शिक्षकों ने सरकार के इस कदम की सराहना की। योग करने से बच्चों में एकाग्रता आती है, उनका ध्यान लगता है, पढ़ाई में ध्यान लगता है। जो बच्चे ज़्यादा चंचल होते हैं वो योग करने से उनके अंदर एकाग्रता आती है। हर टीचर को योग का ज्ञान होना चाहिए ताकि वो अपनी क्लासों में एक क्लास मैनेजमेंट में और बच्चों को शांत रखने में और बच्चों की कंसंट्रेशन बढ़ाने में योग का प्रयोग कर सके। जानकार योग को पाठ्यक्रम में शामिल करने के फैसले को बेहतर मानते हैं। प्रणव गोस्वामी के साथ अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी। और योग का जन्म जो कि भारत में हुआ,
इसी वजह से भारत ने योग को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने और योग दिवस मनाने के लिए विशेष पहल की। पिछले साल सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव का दुनिया के देशों ने भरपूर समर्थन किया। जमीन में योग, आकाश में योग, जल में योग, पहाड़ों पर योग। पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कुछ ऐसा ही नजारा दिखा, मानो समूची दुनिया योग में हो गई हो। योग भारतीय संस्कृति की बड़ी पहचान है। दुनिया के कई देशों में योग पहुंचाने में देश के आध्यात्मिक और योग गुरुओं ने अहम भूमिका निभाई। लिहाजा दुनिया भर की नजर में भारत की छवि हमेशा से योग गुरु के रूप में रही है। आजादी के आंदोलन के दौरान महर्षि अरविंद, स्वामी विवेकानंद ने पीड़ा से जूझते संसार को आध्यात्म और योग के मंत्र के साथ विश्व शांति का संदेश दिया। आजादी के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर भारत के सभी प्रधानमंत्रियों ने योग को बढ़ावा देने के लिए व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों पर जोर दिया। लेकिन सबसे बड़ी सफलता मौजूदा सरकार को मिली। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए 27 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से पहल की। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा। योग केवल व्यायाम भर न होकर अपने आप से तथा विश्व व प्रकृति के साथ तादात्म्य को प्राप्त करने का माध्यम है। यह हमारी जीवन शैली में परिवर्तन लाकर तथा हम में जागरूकता उत्पन्न करके जलवायु परिवर्तन से लड़ने में सहायक हो सकता है। आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य करें। इसके बाद 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र में 193 देशों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रस्ताव को मंजूरी दी। 193 देशों की मंजूरी पूरी दुनिया में योग की बढ़ती लोकप्रियता को दिखाती है। संयुक्त राष्ट्र में 90 दिनों के भीतर पूर्ण बहुमत से प्रस्ताव पारित हुआ, जो ऐतिहासिक है। संयुक्त राष्ट्र में किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मान्यता देने के लिए ये सबसे कम समय है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस के लिए 21 जून का चयन इस वजह से किया गया क्योंकि 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। भारतीय मान्यताओं के मुताबिक ये ग्रीष्म संक्रांति का दिन है। दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं होगा जो ये न चाहता हो कि वो जीवन को जी भर जीना चाहता है। हर कोई जीवन को जी भर करके जीना चाहता है। और मैं विश्वास से कहता हूं कि योगा ये जीवन को जी भर करके जीने की जड़ी बूटी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में दुनिया के 177 देश बतौर सह प्रायोजक शामिल हुए। दुनिया भर के तमाम देशों की भागीदारी से यह साफ है कि भविष्य में योग वैश्विक समरसता, शांति और सौहार्द का अहम जरिया बन सकता है। अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी। और योग परंपरा और शास्त्रों का काफी पुराना इतिहास रहा है। आदिकाल से ही भारत में योग का आरंभ माना जाता है। भगवान शिव योग विद्या के पहले आदि गुरु माने जाते हैं और इसके बाद वैदिक ऋषि और मुनियों ने योग को आगे बढ़ाने का काम किया। योगियों और तपस्वियों के निशान जंगलों, पहाड़ों, गुफाओं में आज भी देखने को मिल जाते हैं। यस्मात् प्रीते न सिद्ध्यति यज्ञो विपश्चितश्चन सधीनाम योगमिन्वति। यानी योग के बिना विद्वान का भी कोई यज्ञ कर्म सिद्ध नहीं होता। वह योग क्या है? योग चित्त वृत्तियों का निरोध है। वो कर्तव्य कर्म में व्याप्त है। योग विद्या हजारों वर्ष पुरानी है। श्रुति परंपरा के मुताबिक भगवान शिव ने हजारों वर्ष पहले हिमालय में कांति सरोवर झील के किनारे सप्त ऋषियों को योग का ज्ञान दिया। इन ऋषियों ने योग विद्या का प्रचार प्रसार किया। 3000 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों और मूर्तियों में योगाभ्यास का प्रामाणिक चित्रण मिलता है। वैदिक काल में यज्ञ और योग काफी महत्वपूर्ण थे।
इसके लिए 4 आश्रमों की व्यवस्था बनाई गई। ब्रह्मचर्य आश्रम में वेदों की शिक्षा के साथ ही शास्त्र और योग की शिक्षा भी दी जाती थी। उपनिषद में योग के पर्याप्त प्रमाण मौजूद हैं। कठोपनिषद में योग के लक्षण को बताया गया है। योग मींस जुड़ना, आत्मा परमात्मा का जुड़ना, शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए क्रियाओं को करते हुए योग करना, एक हमारी पुरानी संस्कृति से जुड़ी हुई बातें हैं जो आज शायद लोगों को भूल के याद आई हैं। हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म में योग को अलग अलग तरीके से बांटा गया है, लेकिन सबके मूल में वेद और उपनिषद ही रहे। जैन और बौद्ध के उत्थान के दौर में यम और नियम के अंगों पर जोर दिया जाने लगा। यम और नियम अर्थात अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप और स्वाध्याय का प्रचलन ही ज्यादा रहा, लेकिन यहाँ तक योग को सुव्यवस्थित रूप नहीं दिया जा सका। पतंजलि ने शुरुआत से ही काफी साल पहले ही चालू किया था यम नियम के माध्यम में, तो ये सारे हम लोग फॉलो करेंगे तो ये योगा बहुत अच्छा बढ़ सकता है। पहली बार 200 ईसा पूर्व में पतंजलि ने वेद में बिखरी योग विद्या को सही सही रूप में बांटा, जिसे पतंजलि के योग सूत्र के नाम से जाना जाता है। इसके बाद योग का प्रचलन बढ़ा, यौगिक संस्थान, पीठ और आश्रम बनने लगे जहां राजयोग की शिक्षा दी जाने लगी। योग सूत्र योग दर्शन का मूल ग्रंथ है। 6 दर्शनों में योग दर्शन का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें समय के साथ योग की कई शाखाएं निकली। इनका प्रभाव व्यापक रूप से भारतीय पंथों, संप्रदायों और साधनाओं पर पड़ा। आज पूरा विश्व योग और साधना का लोहा मानता है। योग का महत्व दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। दुनिया को योग सिखाने वाले भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में योग का प्रचार प्रसार काफी तेजी से हो रहा है। प्रशांत पांडे, राज्यसभा टीवी। देश विदेश के मुद्दों पर राज्यसभा टीवी की विशेष पेशकश जारी रहेगी। हम आगे भी आपको दिखाते रहेंगे तमाम मुद्दों पर विशेष। फिलहाल आज के अंक में इतना ही। नमस्कार।